हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई मीता बिश्नोई। आज हम लोग नस्टेशियम के बारे में पूरा देखेंगे और मैं बताऊंगी मेन इस वीडियो में कि इसकी इतनी सारी फोलिएज हो गई है, पत्तियां इतनी बड़ी बड़ी, इतनी हेल्दी हो गई हैं, इनका क्या करना चाहिए, क्या इनको ऐसे ही रखना चाहिए या इनको काट देना चाहिए और फ्लावर्स इसके कैसे होंगे। ये कुछ नस्टेशियम के फ्लावर्स हैं जो मेरे लास्ट ईयर फ्लावर्स थे, इनकी पिक्स हैं। ये कई ब्राइट कलर्स में आते हैं और ये फेब मार्च अप्रैल तक भी खूब खिलते रहते हैं। ये बहुत दिनों तक खिलते हैं और क्योंकि थोड़ी वार्म्थ भी ये बर्दाश्त कर लेते हैं। तो येलो कलर में होते हैं, ऑरेंज कलर में, कई ब्राइट कलर्स में आते हैं और ये वाइन फॉर्म में भी हो जाता है। ये देखिए, अगर इसको ट्रेन करें तो ये ऊपर भी जाता है, कैस्केडिंग भी होता है और ये क्लाइंब भी करता है, नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो इसके प्लांट की बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि इसकी क्या क्या खूबियां हैं और इसकी क्या केयर है। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। कई कलर्स में आते हैं इसके फ्लावर्स और ये बहुत ही इजी है क्योंकि ये फुल सन एंजॉय करता है, ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं चाहता है ये और मॉइस्ट सॉइल चाहता है। तो ये दो चार चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो ये आपके गार्डन में बहुत अच्छा करेगा। और ये बहुत फास्ट ग्रोइंग है, इसकी इजीली ग्रोथ हो जाती है और ग्रोथ के बाद देखिए लीव्स का कितनी बड़े साइज की और कितनी हेल्दी हो जाती है। मगर अगर इसकी फोलिएज इसी तरह बढ़ती रही तो क्या होगा, हमारे फ्लावर्स जो है ऐसे छिपे रह जाएंगे, उभर के ही नहीं आएंगे, सारा न्यूट्रिशन इन लीव्स को मिल जाएगा। और हम लोग ने ये प्लांट लगाया है खूबसूरत फ्लावर्स को देखने के लिए। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसके फर्टिलाइज जो करते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम कर देंगे। अगर हम लोग नाइट्रोजन की परसेंटेज ज़्यादा रखेंगे तो इसकी फोलिएज की ग्रोथ और ज़्यादा होती है। इनफैक्ट इसको कुछ खास देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी सॉइल बहुत ही पुअर है तब थोड़ा दे सकते हैं, नहीं तो ये अपने आप ही सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो ले लेता है। मगर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा देने की एकदम ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी फोलिएज को हम लोग कट बैक करते हैं। काटते कहाँ से है, ये देखिए इसकी काफ़ी लंबी सी ऐसी स्टॉक निकलती है और ये यहाँ से काट देते हैं। ये देखिए इतनी लंबी स्टॉक के साथ ये लीफ काट दी, ऐसे कई लीफ काट देंगे ताकि इसमें, ये देखिए यहाँ से इसकी ऐसे काटते हैं, बहुत टेंडर होती हैं। और ये देखिए ऐसे, अब आपको अंदर से भी फ्लावर्स नजर आने लगेंगे। देखिए ये बीच बीच में से इसकी फोलिएज कट करते जाएंगे ऐसे करके, तो फ्लावर्स अपने आप सामने आ जाएंगे थोड़े से स्टॉक के साथ। कि इसकी लीफ बहुत न्यूट्रिशियस होती हैं और वो काफी चीजों में, कुकिंग में भी यूज होती हैं, मगर मैंने नहीं किया कभी इसके यूज कुकिंग में। कई न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं इसकी लीव्स में। और इसकी एक और खूबी ये है कि इस प्लांट में से, लीफ में से कुछ केमिकल निकलता है जो वाइट फ्लाइज को, कुछ एफिड्स को और कैबेज लूपर्स को, कई सारे इंसेक्ट्स को रिपेल करता है। तो ये कॉम्बिनेशन प्लांट में भी लगाया जाता है, कॉम्बिनेशन गार्डनिंग जिसे कहते हैं। तो जब आप अपनी वेजिटेबल की गार्डनिंग शुरू करते हैं तो इसको जरूर लगाइए। इसके दो एडवांटेजेस होंगे, एक तो ये बहुत सारे इंसेक्ट्स को रिपेल करेगा जो कि आपके वेजिटेबल्स की ग्रोथ अच्छी रखेंगे और इन्फेस्टेशन फ्री रखेंगे उनको। और सेकंड, जो ये फ्लावर्स हैं ये कुछ पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट करेंगे, बहुत ब्राइट कलर्स के होते हैं, इनके अंदर नेक्टर होता है और वो प्लांट्स, वो इंसेक्ट्स लाइक करते हैं। तो ये पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट जब करेंगे तो आपके
फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को भी बहुत प्लांट्स को भी बहुत एडवांटेज मिलेगा। तो इस प्लांट की इतनी सारी खूबियां हैं और सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इसमें जो सीड्स निकलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इतने बड़े बड़े सीड्स निकलते हैं, ये देखिए इस टाइप के ये सीड्स निकलते हैं और छूते ही ये टूट गए, ये 3 पीसेस में हो गए। और इनका हर चीज बहुत इजी है, इनका हार्वेस्टिंग ऑफ सीड्स भी बहुत सिंपल है क्योंकि ये इजीली आपके पास कलेक्ट हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े सीड्स हैं। और इनफैक्ट अगर ये इसमें मिट्टी में रह गए तो ये नेक्स्ट ईयर अपने आप ग्रोथ शुरू कर देते हैं, इतना सिंपल है इसका प्रोपोगेशन भी। तो ये प्लांट आप जरूर अपने गार्डन में लगाइए, ये बहुत सारी क्वालिटीज लेके आता है अपने साथ और इसकी ग्रो करना इसको सबसे बड़ी बात है, बहुत इजी है। और एक बार आपने लगाया, ये देखिए ये मैंने प्लांट्स दोबारा लगाए नहीं है, ये अपने आप सीड्स गिरे थे और डिस्पर्सल ऑफ सीड्स हुए और उसके बाद अपने आप देखिए यहाँ पर भी अपने आप इनकी ग्रोथ हुई है, अपने आप ये प्रोपोगेट हुए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा नस्टेशियम का, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।